लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। परसों बाद पूरे हुए अरमान पर फिर गया पानी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक अरसे से सोहगी वर्मा के लोग एक पुल की दरकार को लेकर परेशान थे। सरकारें आती रहीं जाती रहीं तो समय के अनुसार पुल निर्माण की मांग भी रफ्तार पकड़ती गई। सदियों बाद बीते मार्च महीने में अरमान पूरा हुआ तो पक्का तो नहीं, पर पीपा पुल का निर्माण हुआ। फिर भी उस पुल से गुजरने वाले करीब 15 गांव के लोग खुश थे। जिस मांग को लेकर सरकार से पूर्वज मांगते मांगते स्वर्ग सिधार गए, उन सब के अरमान पूरे भाजपा की सरकार ने कर दिया। पर मजे की बात तो यह है कि जिस पुल का उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री ने किया, उस पुल पर महीने भर के बाद ही पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और पुल पानी में बह गया। जटाशंकर बाबा वाला पीपा पुल पर पानी तो फिरा, ऐसा फिरा सारे दावे ढाक के तीन पात की तरह बिखर गए। एक तरफ विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो वहीं कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में भाईसहा घाट पर बने पीपा पुल भी अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया है। यह पीपा पुल कुशीनगर के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी द्वारा संचालित किया गया था, जिसका शिलान्यास बीते 1 मार्च को सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया था। उद्घाटन के 1 महीने बाद ही पीपा पुल की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। लोगों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के को पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया जा रहा है। बरसात भी नहीं हुई, पानी के तेज बहाव से कटान शुरू हो गया, जिससे पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पुल के उस पार 14 गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुल के बनने की खुशी लोगों में हुई थी। वहीं विधायक जी द्वारा जटा बाबा वाला पुल के नाम से होर्डिंग बोर्डिंग भी कराया गया था। आज 1 महीने बाद ही सारे लोगों की खुशी पर पानी फिर गया और पुल पानी के बहाव में बह गया। देखें तस्वीरें, यूपी के जनपद कुशीनगर से दीपक मौर्य की रिपोर्ट।